दिन आपके अपने YouTube चैनल आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट में मैं डॉक्टर सोनल परिहार हर बार की तरह आपके पास एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो इससे पहले कि हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें, मैं आपको बता दूं कि हम बहुत दिनों से इनफर्टिलिटी की सीरीज चला रहे हैं, यानी कि प्रेग्नेंट होने के तरीके, जोरदार तरीके मैंने इसको नाम दिया है। तो पार्ट वन, पार्ट टू, काफी सारे पार्ट्स इसके आ चुके हैं, अब लास्ट के दो पार्ट बाकी हैं। लास्ट के दो पार्ट में हम लोग असिस्टेड रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, यानी कि जब आपको नेचुरल तरीके से प्रेग्नेंसी नहीं हो पा रही है, दवाइयां ले चुके हैं तो भी नहीं हो पा रही है, तो अब अल्टीमेटली डॉक्टर क्या करेंगे, असिस्टेड यानी कि डॉक्टर की हेल्प से प्रेगनेंसी होना। तो इसमें दो ही तरीके होते हैं, या तो IUI जिसको कि आज हम डिस्कस करने वाले, या फिर IVF। अब जिन लोगों की इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं वो शायद समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रही हूँ, अदरवाइज बाकी लोगों के लिए हम इसको वीडियो के थ्रू समझेंगे कि इसका क्या मतलब है। ओके, तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं बता दूं कि डॉकवाइज ऐप ने काफी अच्छा पिकअप कर लिया है, बहुत सारे पेशेंट्स कनेक्ट हो चुके हैं, बाकी कनेक्ट हो रहे हैं, इंडिया में भी, इंडिया से बाहर भी। बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। पिन मांगेगा डॉक्टर का तो आप मेरा पिन डाल दीजिए, तो आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे। ऑब्वियसली मेरे से कनेक्ट होंगे, मेरे मोबाइल पे कनेक्ट होंगे, तो मैं ही आपको जवाब दूंगी। बहुत से पेशेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई और जवाब दे रहा है, पर इट इज मी, क्योंकि मेरा ही मोबाइल है और मेरे पास ही एप्लीकेशन है। तो आपकी रिपोर्ट्स मेरे पास आएंगी, मैं ही जवाब दूंगी, आपको वॉइस मैसेज भेजूंगी, अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे मैं आपको कॉल कर लूंगी, राइट। और प्रिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो, बिकॉज ये एप्लीकेशन ऐसा है कि इसमें प्रिस्क्रिप्शन जा सकता है। उसके अलावा अगर आपको मेरे से कनेक्ट करना है तो एवरी डे मैं लाइव जाती हूँ, आपको पता ही है आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट में मैं लाइव जा रही हूँ। मेरा दूसरा चैनल है डॉक्टर सोनल आंसर्स, उसमें भी मैं लाइव जाती हूँ, बट अभी मैंने वापस से इसी चैनल पे आना शुरू कर दिया। तो बेसिकली अगर आप दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा मैं किस पे लाइव जा रही हूँ, किस पे नहीं जा रही हूँ। तो आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप या तो इस चैनल पे या फिर उस चैनल पे लिखते हैं, तो उन सबको मैं इकट्ठा करके आपको डेली एक बार लाइव आंसर्स देती हूँ। इसमें अगर जनरल क्वेश्चंस हैं तो आपको लाइव आंसर मिल जाएगा, इसमें अगर ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है बहुत पर्सनल है, रिपोर्ट्स डिस्कस करनी है, तो फिर इसके लिए आपको या तो सुपर चैट करना पड़ेगा। सुपर चैट में आपको यूट्यूब अपने आप बता देगा, जैसे ही आप सुपर चैट पे क्लिक करेंगे लाइव क्वेश्चन आंसर में आपको सुपर चैट दबाना है। 40 रुपीज से स्टार्ट होता है मिनिमम, और जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग यूट्यूब आपको बता देगा। ये पेमेंट आपको अपने कार्ड से करना है, ये पेमेंट सीधे यूट्यूब पे जाएगा, तो आप बाहर बैठे, मतलब इंडिया के बाहर बैठे बैठे भी ये काम कर सकते हैं, आपको हाथों हाथ उसी समय आंसर मिल जाएगा। ओके, तो ये आप सिर्फ लाइव चैट नहीं कर सकते, उसके बाद नहीं कर सकते। तीसरा तरीका जो मैं हर बार बताती हूँ वो पेटीएम है, कुछ लोग कर भी रहे हैं, ये नंबर है, इस नंबर पे अगर आप पेटीएम करेंगे ओनली 100 रुपीज, तो आपको जो पर्सनल क्वेश्चन है उसका आंसर मैं लाइव सेशन में दे दूंगी। बट ऑब्वियसली जब मैं बोल के लाइव सेशन में आंसर दूंगी तो आपको प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिल पाएगा, तो प्रिस्क्रिप्शन के लिए आपको डॉकवाइज ऐप पे ही आना पड़ेगा, राइट। इसके अलावा जो मेरे बाकी के पोर्टल्स हैं, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक के पेजेस हैं, इन पे आप पर्सनल क्वेश्चंस ना लिखें, क्योंकि अब मैं इतने सारे चैनल्स में से क्वेश्चंस निकाल के आपको आंसर देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो आप यूट्यूब पे ही अपने क्वेश्चन लिखें, इट इज वेरी इजी, जब आप वीडियो देख रहे हैं तो क्वेश्चन लिखना भी बहुत आसान है, और यहीं से आपका लाइव सेशन हमेशा डेली जाएगा, राइट। तो अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, IUI यानी कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। IUI का मतलब, जैसे कि इसका नाम बताता है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, यानी कि यूट्रस के अंदर डायरेक्टली सीमेन को इंजेक्ट करना, उसको बोलते हैं IUI। ये क्यों करते हैं, ये तब करते हैं जब आप नॉर्मली तरीके से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, आपने मेडिसिन ले ली, नॉर्मल इंटरकोर्स से क्या होता है, नॉर्मल इंटरकोर्स में जो सीमेन होता है वो वजाइना में जाता है और वहीं से बाहर भी आ जाता है, उसके अंदर जो स्पर्म्स होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, वो ऊपर चढ़ जाते हैं। ओके, हम मान के चलते हैं कि भाई अगर नॉर्मल तरीके से नहीं हो रहे तो शायद कहीं ना कहीं कोई कमजोरी है, या तो हस्बैंड के स्पर्म्स इतने ताकतवर नहीं कि नीचे से ऊपर ट्रैवल कर पाए, या फिर वेजाइना में कोई ऐसी एंटीबॉडीज हैं, या फिर एनवायरनमेंट ऐसा है, या तो वहां पर जो डिस्चार्ज है वो इतना अच्छा नहीं है कि सीमन आराम से ऊपर चढ़ पाए। तो बेसिकली उस पूरे रूट को बाईपास करने के लिए हम डायरेक्टली एक छोटे से पतले से कैथेटर से डायरेक्टली सीमन को वॉश करके, साफ करके आपके यूट्रस के अंदर डाल देते हैं। ओके, इसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। अब इसमें और IVF में जो मोटा मोटे तौर पे वो है डिफरेंस है, वो ये है कि IUI में आपका सिर्फ सीमन इंजेक्ट हो रहा है, तो बेसिकली आपकी ट्यूब्स खुली हुई होनी चाहिए। ट्यूब्स खुली हुई नहीं होगी तो जो तरीका नॉर्मल होता है कि अंडा आ रहा है, औरत का जो अंडा है वो ओवरी से निकल के ट्यूब के अंदर आ रहा है और यहाँ से सीमेन चढ़ के ऊपर स्पर्म्स यहाँ मिल रहे हैं, तो ये जो तरीका नॉर्मल इंटरकोर्स में होता है वही तरीका IUI में भी होना है। सिर्फ इतना फर्क है कि हमने सीधे यूट्रस के अंदर स्पर्म्स को डाल दिया, तो उसको नीचे वाला रास्ता जो चढ़ के आना है वो नहीं चढ़ना पड़ता है, राइट। तो IUI और IVF में बहुत मेजर डिफरेंस है, दोनों में कंफ्यूज ना हो। IUI में पहली बात तो कोई सेडेशन की जरूरत नहीं है, बेहोश करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें आपको सीधे ओपीडी में ही करा जाता है प्रोसीजर, पतला सा प्लास्टिक का एक कैथेटर होता है, आपको लिटाया जाएगा जैसे नॉर्मल गायनी पोजीशन में लिटाते हैं, 2 मिनट के अंदर उसको इंजेक्ट कर दिया जाएगा,
कोई पेन नहीं होता, जितना पेन आप नॉर्मली जब चेकअप कराते हैं उतना ही पेन होता है, जो आप लेटते हैं तो डॉक्टर स्पेकुलम डालते हैं आपको चेक करते हैं बस उतना ही पेन होगा, जब भी कैथेटर अंदर जाता है पतला सा मुश्किल से 1-2 मिनट के लिए हल्का सा पेन होगा कोई भी चीज अंदर जाएगी तो, राइट। जैसे आपको HSG में पेन होता है, HSG का पेन बहुत ज्यादा पेनफुल होता है बिकॉज उसमें पूरी 20 ml जो इतना बड़ा इंजेक्शन होता है वो अंदर इंजेक्ट करते हैं, तो पूरी की पूरी दवाई पेट के अंदर आती है। इसमें कुछ नहीं, सिर्फ 1 ml होता है, सिर्फ 1 ml का एक लिक्विड होता है जिसके अंदर सीमेन को हमने वॉश करा हुआ है वो अंदर जाता है, तो 1 मिनट के लिए थोड़ा क्रैम्पी पेन, थोड़ा ऐसा लगता है आटे आए पेट में, क्रैम्पी पेन आता है और वो थोड़ी देर में ठीक हो जाता है। इसमें आपको बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको हॉस्पिटल में स्टे करना है या घर जाके रेस्ट करना है, 10-15 मिनट में आपको डॉक्टर उठा के खड़ा कर देंगे फिर आप घर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स आपको आपकी क्या लाइफ स्टाइल है। हाँ डेफिनेटली आप क्योंकि इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे हो आप कोशिश करो कि बच्चा ठहर जाए, तो ऐसे में आप बहुत भारी जिमिंग उमिंग नहीं कर सकते क्योंकि अगर मान लीजिए किसी चीज को अंदर डिसलॉज हो गया, एग और स्पर्म्स नहीं मिल पाए या फिर इम्प्लांटेशन नहीं हो पाए आपकी विगरेस एक्सरसाइज की वजह से, तो वो सही नहीं होगा। तो आपको बेसिकली विगरेस एक्सरसाइज नहीं करनी, हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी, बाकी आपके जो रूटीन काम है वो सब कर सकते हो। सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉरबिडन नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं, एक बार हमने सीमन अंदर डाल दी उसके आप नॉर्मली आपका लाइफ स्टाइल है आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, अब IUI और IVF में स्टेप वाइज अगर देखा जाए तो IUI पहले करते हैं क्योंकि IUI एक नॉन इनवेसिव प्रोसीजर है, एक बहुत ही सस्ता प्रोसीजर है, इसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं लगता। जो आपकी नॉर्मली इनफर्टिलिटी की दवाइयां चल रही है, इंजेक्शन चल रहे हैं, गोलियां चल रही है, फिर सोनोग्राफी हो रही है एक एक दिन छोड़ छोड़ के, सेम वही प्रोसीजर रहता है। जिस दिन अंडा रप्चर होता है, एग रप्चर होता है, उस दिन डॉक्टर आपको बोलते हैं कि भाई 1 घंटे बैठो, आपके हस्बैंड का सीमेन लेके उसको वॉश करके हम अंदर डालेंगे, दैट इज ऑल। तो जो भी एक्स्ट्रा पेमेंट लगता है वो सिर्फ वॉशिंग का ही लगता है कि भाई करने में जो भी पैसे लगते हैं। अगर हस्बैंड का नहीं है सीमन नहीं है, आपको डोनर सीमन लेना है बिकॉज ऑफ सम रीजन, तो फिर बाहर से सीमन आ जाता है, वो वॉश्ड आता है, जैसे ब्लड आते हैं तैयार वैसे ही सीमन वॉश्ड आते हैं। सीमन बैंक्स होते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में होते हैं, कुछ हॉस्पिटल्स में तो अंदर ही होता है, कुछ हॉस्पिटल्स में दूसरे हॉस्पिटल से मंगाते हैं। तो बेसिकली इतना पतला सा एक वायल होता है, 1 ml उसके अंदर होता है, तो वही उतना ही टाइम लगता है और उसी का एक्स्ट्रा खर्चा लगता है, बाकी कुछ भी नहीं। तो IUI पहले करते हैं उन पेशेंट्स में जिनमें ट्यूब व्यूब सब खुली हुई है, सब नॉर्मल है। अगर ये भी सक्सेसफुल नहीं होता तो फिर आगे जो प्रोसीजर है वो है IVF। तो IVF को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें। ओके, अब मैं आपको बता दूं कि IUI कितना सक्सेसफुल है। IUI का सक्सेस रेट बहुत ज्यादा नहीं है, ओके, 10-15%। तो हताश ना हो, बट ये एक्चुअली ट्रू है। आप कहीं भी चले जाएं, इंडिया हो चाहे यूके हो चाहे यूएसए हो, हर जगह इतना ही रेट है बेसिकली, क्योंकि हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ सीमेन को वॉश करके उस स्पर्म को अंदर चढ़ा रहे हैं, यूट्रस के अंदर इंजेक्ट करें, बाकी उसको पूरा रास्ता अपने आप तय करना है। नीचे से ऊपर तो हमने चढ़ा दिया, अब यूट्रस के अंदर से उसको ट्यूब में जाना है, ट्यूब में मिलना है, फिर वापस से क्वालिटी पर डिपेंड करता है, एग बना कि नहीं बना, एग की क्वालिटी, स्पर्म की क्वालिटी, फिर जो बन फर्टिलाइज होने के बाद जायगोट बना, जो बच्चा बना उसकी क्या क्वालिटी है एम्ब्रियो की। तो बेसिकली प्रोसीजर वही है जो नेचुरल कंसेप्शन का होता है, तो इसलिए रेट सिर्फ 10-15% है, वो भी उन लोगों में जो कि 35 से लो है। जो 35 से ऊपर है उनका रेट और भी कम है, 40 के अबाउट तो सिर्फ 2-5% रह जाता है। और उन लोगों में ज्यादा सक्सेसफुल है जिनके खुद के एग्स होते हैं, जो डोनर सीमेन वगैरह लेते हैं, सॉरी नॉट एग्स, जो डोनर सीमेन लेते हैं, बाहर से सीमेन लेते हैं, उनके इतने अच्छे रिजल्ट नहीं जितने कि खुद के पार्टनर का सीमेन लेते हैं, राइट। अब ये ऐसा क्यों है कहना मुश्किल है, बट दिस इज व्हाट द थ्योरी सजेस्ट। जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जो रिसर्च करी गई है, उसमें ये देखा गया कि जो खुद के पार्टनर का सीमेन होता है उससे ज्यादा अच्छी क्वालिटी आती है और उससे ज्यादा सक्सेस रेट होता है। ओके, अब बात करते हैं कि IUI में कितने फॉलिकल्स यानी कि कितने अंडे दिखने चाहिए अंदर सोनोग्राफी में, और स्पर्म्स कितने होने चाहिए। तो औरत के अंदर जब सोनोग्राफी करते हैं तो फॉलिकल्स जब हम दवाई देते हैं, एक औरत जो कि बिना दवाइयों के कंसीव कर रही है या ओवुलेट कर रही है, उसके अंदर महीने में एक ही अंडा निकलता है, या तो राइट से या लेफ्ट से, वो कुदरत है, कभी राइट से निकलेगा कभी लेफ्ट से, ऑल्टरनेट नहीं होता कि कभी एक बार इधर से निकला तो एक बार इधर से। जब हम दवाई देते हैं तो दवाई में दोनों तरफ खूब सारे अंडे बनते हैं, किसी किसी पेशेंट में एक ही साइड बनते हैं, किसी को एक महीने में एक साइड बनते हैं, दूसरे महीने में दोनों साइड बन जाते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कैसे बॉडी रिएक्ट कर रही है। तो हमको IUI के लिए कम से कम 3-4 फॉलिकल्स चाहिए होते हैं, 3-4 अंडे होने चाहिए तभी अच्छा रिजल्ट आएगा। क्योंकि नॉर्मली जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हैं जिनको हम IUI कर रहे हैं, वो ऑलरेडी काफी सालों से परेशान होते हैं, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जितने ज्यादा अंडे हो उतना अच्छा हो। लेकिन जितने ज्यादा अंडे होंगे उससे क्या प्रॉब्लम होगी, उसमें ट्विन्स की और ट्रिपलेट्स की प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी कि मल्टीपल प्रेगनेंसी हो जाएगी, जो कि हम नहीं चाहते, क्योंकि पेशेंट को ऑब्वियसली ट्विन्स में और ट्रिपलेट्स में ज्यादा प्रॉब्लम होती है रादर देन सिंगल बच्चे में। बट इस चीज को अवॉइड नहीं किया जा सकता क्योंकि ये साइड इफेक्ट्स हैं असिस्टेड रिप्रोडक्शन के, चाहे वो IUI हो चाहे वो IVF हो, क्योंकि हमको रिजल्ट्स देने होते हैं, अच्छे रिजल्ट्स देने होते हैं, तो हमको कोशिश करनी होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा फॉलिकल्स बनाएं, ठीक है।
फिर आते हैं स्पर्म्स पे। हस्बैंड की जो यानी कि पार्टनर की जो स्पर्म्स हैं उनका काउंट मैंने आपको पहले भी बताया था अपने वीडियो में कि 15 मिलियन से ऊपर होना चाहिए जो कि WHO क्राइटेरिया है। अगर 15 मिलियन से कम है शुरू में, वॉश करने के बाद ये थोड़े से और कम हो जाते हैं क्योंकि इनके अंदर का जो डेड स्पर्म्स है वो निकल जाते हैं, कुछ जो अंदर अनवॉन्टेड चीजें होती हैं, चिपचिपी चीजें होती हैं, फ्रक्टोज होता है, बहुत सारी अदर अदर सिक्रीशंस होते हैं। अब नॉर्मल इंटरकोर्स में तो अपने आप ही बाहर आ जाते हैं, आप लोग बोलते हैं मैम सारा सीमेन बाहर आ गया, वो तो आना ही है, सिर्फ स्पर्म्स ऊपर चढ़ते हैं। तो जब हमको इसको अंदर इंजेक्ट करना तो हम इसको पूरा क्लीन कर देते हैं, सिर्फ स्पर्म्स इंजेक्ट करते हैं, तो वॉशिंग में कुछ क्वांटिटी कम हो जाती है। तो शुरू में वॉश करने से पहले कम से कम 15 मिलियन होना चाहिए, जैसा कि WHO ने बोला है 20-30 मिलियन के बीच में है तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ओके, ये तो हो गया कितने फॉलिकल्स और कितने स्पर्म्स होने चाहिए। अब सिम्टम्स कब आएंगे? बहुत से लोग पूछते हैं मैडम IUI हुए 10 दिन हो गए, मेरे को कब पता चलेगा कि मैं प्रेग्नेंट हूं? मान के चलिए 2 हफ्ते, क्योंकि जब इंजेक्ट करते हैं, मान लीजिए उस समय ओवुलेशन हो रखा है उसी समय इंजेक्ट करते हैं, तो मान लीजिए 2 दिन बाद, क्योंकि अंडा 1 या 2 दिन ही जिंदा रहता है, 1 या 2 दिन बाद मान लीजिए उसने फर्टिलाइज कर दिया स्पर्म ने उसको, तो फिर वो वापस से 3 दिन बाद लुढ़क के जब वो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में होता है तो यूट्रस में आता है, इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन होने के कुछ दिन बाद आपके जो हॉर्मोन्स हैं वो बढ़ने शुरू होते हैं तो प्रेगनेंसी टेस्ट में पॉजिटिव आता है। तो 2 हफ्ते मोटे मोटे तौर पर मान के चलिए। और बाकी सिम्टम्स, कभी कभी ऐसा लगता है कि IUI करते ही आपको सडनली ऐसा लगता है मैं प्रेग्नेंट हो गई, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको हार्मोन दे रखे होते हैं, हम आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन देते हैं, तो उसके सिम्टम्स भी करीब करीब प्रेगनेंसी जैसे ही होते हैं। जैसे कि किसी ने पूछा था लाइव सेशन में कि मैडम PMS के सिम्टम्स और प्रेगनेंसी के सिम्टम्स सेम होते हैं क्या, क्योंकि ये सब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से रिलेटेड है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जब जब देंगे तो वही सारे सिम्टम्स आते हैं, ऐसा लगता है मैं प्रेग्नेंट हो गई, बट ऐसा नहीं होता। ओके, अब मिसकैरेज के कितने चांस होते हैं? मिसकैरेज के चांसेस ऑब्वियसली किसी भी इनफर्टाइल कपल में जो कि असिस्टेड रिप्रोडक्शन करा रहे हैं, चाहे वो IUI हो, चाहे वो प्लेन दवाइयों से प्रेग्नेंट हुए हो, चाहे फिर वो IVF हो, मिसकैरेज का रेट एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल वुमन जिसने कुछ ट्रीटमेंट नहीं लिया ज्यादा होता है। किसी भी नॉर्मल लेडी में, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, 25% प्रेगनेंसी अबॉर्शन का चांसेस होते हैं, यानी कि 1 out of 4 मतलब 4 में से 1 प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो जाती है, एंड इट इज वेरी नॉर्मल। ठीक है, जैसे लोग घबराए थे अबॉर्शन क्यों हो गया, तो अगर नॉर्मल लेडी भी है तो 4 में से 1 उसकी प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो सकती है, बट अगर IUI या IVF या फिर असिस्टेड रिप्रोडक्शन करा रहे हैं, ओवुलेशन इंडक्शन करा रहे हैं, तो आपके मिसकैरेज रेट थोड़े बढ़ जाते हैं। बहुत से लोगों को मैं देखती हूँ, अपने पेशेंट्स को बोलती भी हूँ कि भाई आप कंसीव कर जाते हैं, आते नहीं वापस, ये आप गलत करते हैं। मान लीजिए आपने ट्रीटमेंट लिया 5-6 महीने, आप कंसीव कर गए, फिर आपको लगे अब क्या जाने की जरूरत है डॉक्टर के पास, मैं कंसीव कर गई, ये गलत है, क्योंकि जब आप दवाइयों से और इन सब चीजों से कंसीव करते हैं तो आपका बच्चा थोड़ा कमजोर होता है, उसको हार्मोन सपोर्ट की जरूरत होती है, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑब्वियसली कोई कमजोरी है तभी आपको ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ती है। तो प्रेग्नेंट होते घर ना बैठ जाए, कम से कम डॉक्टर को जाके बताएं कि आप प्रेग्नेंट हो गए तो आपका ट्रीटमेंट वो कंटिन्यू करेंगे। राइट, शुरू के 3 महीने तो बहुत ज्यादा खतरा होता है मिसकैरेज का। अब आते हैं ट्विन प्रेगनेंसी के चांसेस। जैसे कि मैंने बताया आपको, हम लोग हैवी हॉर्मोन्स देते हैं, टैबलेट्स देते हैं जिससे 1 से ज्यादा अंडा बने, 4-5 अंडे बनते हैं तो हम कहते हैं IUI सक्सेसफुल ज्यादा होगा, उसके सक्सेस रेट ज्यादा होंगे, तो ऑब्वियसली ट्विन प्रेगनेंसी के चांसेस और ट्रिपलेट प्रेगनेंसी के चांसेस एज कम्पेयर टू नॉर्मल वुमन जिसने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, आपके चांसेस ज्यादा होंगे अगर आप IUI करवाएंगे। ओके, लास्ट आते हैं ऐसी कौन सी टिप्स जो कि मेरे से पेशेंट्स पूछते हैं, मैडम ऐसा क्या करें कि मेरा IUI सक्सेसफुल हो जाए, पिछली बार सक्सेसफुल नहीं हुआ। वेल, आई वुड से कम 5 या 6 ट्रायल्स कराइए, जितने भी मैंने आपको परसेंटेज बताई है, जितनी भी किताबों में रिसर्च में ये सब लिखा हुआ है, सब में यही लिखा है कि कम से कम 5 या 6 बार IUI होगा तब जाके 10-15% सक्सेस रेट होगा। तो अगर 1 IUI में आप हताश हो जाएंगे कि मेरा तो हुआ ही नहीं, अब मैं क्या करूं, तो उसके लिए तो हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है, कोई परसेंटेज नहीं बताने के लिए कि 1 IUI की सक्सेस रेट कितनी होती है। राइट, दूसरी चीज, कई बार हम डॉक्टर्स 2 बार IUI करते हैं, जब आपको HCG का इंजेक्शन देते हैं, बहुत से लोगों को पता होगा मैं क्या बता रही हूँ, जब आपका अंडा 18-20 मिलीमीटर पहुंच जाता है हम कहते हैं आप रप्चर होने के चांसेस हैं, फिर आपको इंजेक्शन लगाते हैं HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन का, और आपको बताते हैं कि भाई 2 दिन बाद वापस आओ तब तक रप्चर हो जाएगा अंडा, उस दिन IUI करेंगे। इसका एक तरीका और ये रहता है कि अगर मान लीजिए आज आपको HCG दिया तो आपको 18 घंटे बाद वापस बुला के IUI कर दिया। ओके, और उसके बाद वापस से 18 घंटे यानी कि 36 घंटे बाद वापस बुला के IUI कर दिया, तो डबल IUI करते हैं एक ही साइकिल में, इससे चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत से डॉक्टर्स ये प्रैक्टिस करते हैं और बहुत से पेशेंट्स में सक्सेसफुल हुआ भी है। ये इसलिए करते हैं कि भाई मान लीजिए अंडा जल्दी रप्चर हो गया और हमने आपको 2 दिन बाद बुलाया, तब तक तो अंडा खत्म हो जाएगा,
राइट right? तो उन केसेस में जिनमें आईयूआई का रिजल्ट नहीं मिल रहा, हमको लग रहा है कि भाई डबल आईयूआई कराने के लिए पेशेंट रेडी है, इतना खर्चा करने को रेडी है, बार बार आने में भी उसको दिक्कत नहीं, तो डबल आईयूआई करने से कई बार रिजल्ट्स बेटर हो जाते हैं। बाकी खुद को फिट रखिए, जैसे कि मैं हर बार बताती हूँ, आपके अंडे तभी अच्छे बनेंगे जब आप फिट रहेंगे, अच्छी डाइट खाएंगे, प्रॉपर एक एक्सरसाइज शेड्यूल आपके उसमें रहेगा, आपकी डेली लाइफ रूटीन में। हस्बैंड्स के लिए, पार्टनर्स के लिए मैंने बताया हुआ है कि स्पर्म्स की क्वालिटी क्यों खराब हो जाती है, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो अगर आप अच्छा खाएंगे, अच्छी तरीके से लाइफ स्टाइल रखेंगे, टेंशन कम रखेंगे और डॉक्टर की पूरी बात मानेंगे, टाइम पे दवाई लेंगे, तो फिर आपका रिजल्ट डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा, राइट। तो दैट्स इट गाइज, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर आपको डेली लाइव सेशन में मिलता ही है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों की वजह से चैनल बहुत अच्छा ग्रो कर गया है और मेरी पूरी उम्मीद रहती है, मेरी पूरी एक वो तमन्ना रहती है कि मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से एजुकेट कर सकूं, अपनी जितनी भी नॉलेज आपके साथ शेयर कर सकूं, बहुत ही नॉर्मल और लेमैन लैंग्वेज में। ओके, तो मेरे एफर्ट्स को सराहते हैं, तो प्लीज लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।